आप सबको ये जानकारी है कि कर्नाटक को कर्नाटक की एक सरकार जो चुने हुए सरकार है, मौजूदा सरकार कर्नाटक सरकार कांग्रेस जेडीएस की जो सरकार है, ये सरकार को गिराने के लिए बड़े घिनौने साजिश रच गए हैं और इसको अंजाम देने के लिए ये सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। डराना धमकाना लुभाना वो तो है ही है, इसके साथ साथ आप अचरज हो जाएंगे कि हमारे कर्नाटक की इरिगेशन मिनिस्टर मिस्टर शिव कुमार वो मुंबई में रेनेसांस होटल ठहरने के लिए गए थे, होटल बुक करवाया गया, प्लेन से उतारते हुए जब वो होटल पहुंचे तो होटल की दरवाजे में महाराष्ट्र सरकार की पुलिस तैनात थे और हमारे इरिगेशन मिनिस्टर शिव कुमार को होटल में घुसने नहीं दिया। उन्होंने देखा कि वहां बॉम्बे पुलिस चारों तरफ घेर रखे हैं और जो होटल की मैनेजमेंट वो आके कहते हैं कि आपका जो बुकिंग था वो बुकिंग कैंसिल हो गए। हुआ कर्नाटक से डरा के लुभा के कुछ एमएलए को भी रखा गया, शिव कुमार वो एमएलए के साथ मिलना चाहते, एमएलए भी शिव कुमार से मिलना चाहते, लेकिन बीच में खड़ा हो गए महाराष्ट्र पुलिस। लगता है महाराष्ट्र में मार्शल लॉ जारी हो चुके हैं जहां एक मिनिस्टर को होटल में बुकिंग होने का बाद भी होटल में घुसने नहीं दिया जाता है और वहां हमारे एमएलए को साथ मिलने नहीं दिया जाता। तो इस तरीके की लोकतंत्र की धजिया जो उड़ाते हैं उनसे लोकतंत्र की गरिमा को ज्ञान सुनना बेकार है। ये आज साबित हो चुके हैं ये हिंदुस्तान की आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये सत्तारूढ़ पार्टी लोकतंत्र को धजिया उड़ा के अपना राज कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना ही घिनौना साजिश ना हो। जब आपने ये बात बोली हाउस में तो बकायदा मिनिस्टर मिनिस्टर भी खड़े हुए थे, जोशी उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जो एमएलए वहां पे हैं उन्होंने बकायदा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक कंप्लेन दी है कि उनको थ्रेट है, उसके बाद ही सिक्योरिटी दी गई, इसकी कितनी सच्चाई है? ये टोटली मिसलीडिंग न्यूज है, ये गुमराह करने के लिए बात कहे जा रहा है। इतना अगर डर एमएलए को है तो शिव कुमार को घुसने क्यों बाधित हुआ रोका जाता था? शिव कुमार के साथ और दोस्त पुलिस वाले जा सकते, अगर शिव कुमार जाके किसी को डराते हैं तो पुलिस उनके साथ जा सकते। शिव कुमार की क्या कोई गुंडा है? शिव कुमार की क्या कोई डॉन है बॉम्बे की कि कोई होटल वो होटल में बुकिंग होने का बावजूद उनको वहां घुसने नहीं दिया जाता है? और घुसने ना देने वाला कौन है? मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस की ये हसियत है क्या? ये होटल मैनेजमेंट वो कहते हैं आपका बुकिंग कैंसिल हो गया, बिन बजाय वो कहते हैं कि बुकिंग कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि एमएलए को साथ शिव कुमार को मुलाकात तो करने नहीं देना चाहते। मतलब साफ है कि किसी हालत में एमएलए को अपना कब्जे से निकलना नहीं देना चाहते क्योंकि सरकार वो गिरे। स्पीकर साहब ने नकारा दिया, सुप्रीम कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे कल कार्रवाई होगी। तो इसके लिए ये सरकार इतना डेस्परेट हो चुके हैं कि एक हमारे लोकतंत्र की जो बुनियाद है ये बुनियाद को भी ये तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ एक मंत्री किसी होटल में जाएंगे, उनका ये मौलिक अधिकार है। पैसा दे के जा रहे हैं, जबरदस्ती कोई होटल में घुस नहीं रहे हैं, पैसा दे के वो जा रहे हैं फिर भी होटल में उनके घुस नहीं दिया जाता। इसका मतलब क्या है? मुंबई में क्या मार्शल लॉ जारी हो गए हैं?